नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। आबकारी विभाग के द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत 3,70,000 कीमत की अवैध शराब जब्त की गई है। धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह के आदेश के अनुसार सहायक आबकारी आयुक्त यशवंत धनोरा के मार्गदर्शन में धार जिले में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान में वृद्ध धार में मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जिला स्तरीय आबकारी टीम के द्वारा धार क्षेत्र के सूरजपुरा में कार्रवाई कर 7300 किलोग्राम महुआ लहान, 60 लीटर हाथभट्टी मदिरा एवं मदिरा बनाने की सामग्री जब्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। संयुक्त सामग्री का अनुमानित मूल्य लगभग 3,70,000 रुपए है। उपरोक्त कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती बसंती भूरिया, देवेश चतुर्वेदी, चंदन सिंह मीणा, राजेश जैन, दिलीप कनासे, आबकारी उपनिरीक्षक मनोज अग्रवाल, जितेंद्र सिंह भदौरिया, एकता सोनकर, राजेंद्र सिंह चौहान, रोहित मुकाती, आबकारी धार जिले का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।